हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पोकेट गेमिंग। आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। होप कि आप सब लोग बड़े होंगे गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लैश स्क्वाड के बारे में, जिसमें आप मेरी तरह रैंक बना सकते हो और अच्छे रैंक से अपने दोस्तों को इम्प्रेस और शॉक कर सकते हो। तो गाइस, पहले मैं आपको बता दूँ मेरा रैंक क्या है इस बार क्लैश स्क्वाड में। तो इस बार मेरे क्लैश स्क्वाड में जो रैंक है वो है 95 स्टार हीरोइक में। तो आपको भी अगर ऐसा स्टार लेना है, ऐसा हीरोइक में ऐसा परफॉर्म करना है, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं कुछ प्लेसेस बताऊंगा जहाँ पे रह के आप अपने पूरे मैच को जिता सकते हैं, पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो पहला प्लेस जो है वो है ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी में आप अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो, ऑब्जर्वेटरी में आपको एक फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ से डायरेक्ट चढ़े आना ऊपर, क्योंकि वो बंदे को आने में टाइम लगता है सामने वाली टीम में। तो यहाँ पर एक ग्लू वॉल मारना, ठीक है। ग्लू वॉल मारने के बाद अपने फ्रेंड को बोलना कि यहाँ पे बैठ जाए। आप उसको बस चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाके आप यहाँ से अच्छे से पूरा व्यू ले सकते हैं। व्यू में आपको पूरा दिखेगा कहाँ पे कौन सा बंदा है, और यहाँ से अच्छे से आप फाइट दे के मैच को जिता सकते हैं। और एक और एडवांटेज यहाँ पे ये है कि सामने से अगर कोई बंदा आपको मारता है तो सामने ग्लू वॉल मार सकते हो, या अगर ग्लू वॉल आपके पास नहीं हो तो आप यहाँ पे सो सकते हो। सो जाएंगे तो आपको कोई भी नहीं मार पाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पहला प्लेस जहाँ पे आप रह के मैच को जिता सकते हो क्लैश स्क्वाड में। और मैं इस वीडियो में आपको सारे प्लेसेस बताऊंगा जहाँ पे पॉसिबल है फटाफट चढ़ना और फटाफट आपको मैच जिताने का, ठीक है। एंड सर, चलो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्लेस है वो है हमारा पोचिनॉक में। पोचिनॉक में आप अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आप ये वाले टायर से बहुत जन चढ़ते होंगे, पर ये वाले टायर में कोई नहीं आता होगा। आप इस वाले टायर से यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर एक और टायर रहता है, इसके पीछे छुपा हुआ रहता है। इस टायर पर आप जब जंप करेंगे तो आप इस वाले छत पे आ जाएंगे। तो इस वाले छत पे आप जब आ जाएंगे तो यहाँ से भी आपको पूरा व्यू मिलेगा किसी को मारने का, मतलब पूरा व्यू। सामने से बंदे आते हैं, लेफ्ट साइड से आते हैं, राइट साइड से आते हैं, आपको सब जगह दिखेगा। आप कहीं से भी उनको मार सकते हो और अपनी टीम को जिता सकते हो। तो ये बहुत अच्छा प्लेस है क्लैश स्क्वाड में। अगर आप खेलते हैं क्लैश स्क्वाड, रैंक पुश करना चाह रहे हैं क्लैश स्क्वाड में, तो यहाँ पर चढ़ के आप अच्छे से रैंक पुश कर सकते हो। आपके पास एक ग्लू वॉल होना चाहिए ताकि आप बच सको। तो चलिए थर्ड प्लेस की तरफ चलते हैं। थर्ड प्लेस हमारा सेंटोसा। सेंटोसा में अगर आप पीछे से स्टार्ट करते हो तो ये वाला एक प्लेस है। इस प्लेस में आप फटाफट चढ़ सकते हो, ठीक है। टाइम नहीं लगता, मैं वो वाला प्लेस बताऊंगा जहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता चढ़ने में। अब यहाँ पर फटाफट चढ़ सकते हो और यहाँ से अच्छे से फाइट दे सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं बंदे इधर से भी आ जाते हैं, उस साइड से भी आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर रह के फटाफट फाइट देकर अपनी टीम को जिता सकते हो, भुया कर सकते हो मैच को। तो चलिए अगले प्लेस की तरफ चलते हैं। अगला प्लेस है हमारा केप टाउन। केप टाउन में आप देख सकते हैं, ये अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं केप टाउन में तो आपको ऐसे घर दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाले घर पे जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लू वॉल मारना और अपने फ्रेंड को बोलना कि नीचे बैठ जाए। आप उसके ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ के आप ऊपर जाएंगे। बेसिकली क्या होता है, जब दूसरा वाली टीम जो सामने से आते हैं तो सामने वाले बंदे क्या करते हैं, सामने वाले जो घर है वहाँ पर छुप के बैठे रहते हैं, तो ऊपर से वो लोग फायर करते हैं जिसके आपको हेडशॉट लग जाता है और नहीं खेल पाते, मर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। पर अगर आप इसको फॉलो करेंगे, यहाँ पे चढ़े जाएंगे, तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि आप सामने वाले बंदों को कोई रहेगा तो आप अच्छे से उनको मार सकते हैं। तो चलिए अगले प्लेस की तरफ चलते हैं। जो अगला प्लेस भी सेंटोसा में है। सेंटोसा में जब आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब यहाँ पे आते हैं, बहुत टाइम ये होता है कि दूसरा वाला बंदा सामने वाले घर पर रहते हैं, ठीक है। वो सामने नहीं आते, वो पुश नहीं करते आपको, वो वहीं पर बैठे रहते हैं, वेट करते हैं आप लोगों का आने का, और वहाँ से फायरिंग करते हैं गार्ड लेके। तो ये वाला प्लेस बहुत अच्छा है। यहाँ पे ग्लू वॉल मार के ऊपर चढ़ सकते हैं और यहाँ से फाइट देके अपनी टीम को जिता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, फटाफट आप यहाँ से ऊपर से मारेंगे तो हेडशॉट लगने के चांस ज़्यादा होते हैं मारने में। तो चलिए अगले प्लेस की तरफ चलते हैं। अगला प्लेस जो है हमारा जो है वो है केप टाउन में ही है। केप टाउन में जो आपने ये वाला घर तो देखा ही होगा, ठीक है। ये वाला घर उसी वाले घर के बिल्कुल पास में ही है। तो इस वाले घर में आप यहाँ पे एक ग्लू वॉल मारे अपने फ्रेंड को बोलने से बैठने के लिए, आप वहाँ पर चढ़ सकते हैं। चढ़ने के बाद आप ऊपर से देख सकते हैं, आपको पूरा व्यू मिलेगा, साइड से व्यू मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, सामने वाले घर के लेफ्ट वाले घर में भी रहते हैं बंदे, ठीक है, तो वहाँ से भी फायर करते हैं। तो ये मतलब मैं आपको वो वाले प्लेसेस बता रहा हूँ जहाँ पर फटाफट चढ़ के आप एक्शन ले सकते हो फटाफट, और फटाफट मार के आप जीत सकते हो, अपनी टीम को जिता सकते हो, खुद भी जीत सकते हो। आपका रैंक पुश तो होगा 100% है। अगला प्लेस जो है आपका वो है सेंटोसा में है। सेंटोसा में आपने ये वाला घर तो देखा ही होगा। इस वाले घर में चढ़ने का बहुत सारे वेज हैं, ठीक है। बहुत सारे दो ग्लू वॉल मारते हैं, तीन ग्लू वॉल मारते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक ग्लू वॉल से काम हो सकता है। आप बस चढ़िए, अपने एक फ्रेंड को लेकर चढ़ना वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ पे एक ग्लू वॉल मारिए, सामने ग्लू वॉल मारना पड़ेगा। ग्लू वॉल मारने के बाद ये बेस्ट प्लेस है।
सेंटोसा मेरे फेवरेट प्लेस में से एक है यहाँ पे। ये ग्लू वॉल मारने के बाद अपने फ्रेंड को बोलिए यहाँ पे बैठने के लिए, आप उसके ऊपर चढ़े जाइए, चढ़ के आप उस छत पे चढ़े जाइए। छत पे चलने के बाद आप देख सकते हैं वहाँ से आप पूरा क्लियर व्यू देंगे। मैं इस वाले मैच को भुया करके बताऊँगा, आप देख सकते हैं पूरा मैच भुया हो सकता है यहाँ से बैठ के, कोई आपको नहीं मार पाएगा, ज़्यादातर चांसेस नहीं होता कि नहीं मार सकते, बट आपको फिर भी सेफ्टी रखना है, आपको एक ग्लू वॉल रखना अपने साथ में, ताकि कोई भी अगर फायर ज़्यादा कर आपका ज़्यादा डैमेज हो जाए तो आप ग्लू वॉल मार के अपने को सेव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो आज इतना तक ही था, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आगे आगे और कौन कौन से प्लेसेस हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, बाय बाय।